हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दुर्गास रेसिपीज में। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही कम मसाले में बनाने वाली हूँ, लजीज पनीर की रेसिपी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लजीज पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला रेडी कर कर ले लेंगे। मसाला रेडी करने के लिए चूल्हे पर फ्राई पैन चढ़ा दिए है और फ्राई पैन में आधा चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देना है। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन। 6 लहसुन की कलियां लिए थे, इसे टुकड़ों में कट करके लिए हैं। तो 2 लौंग इसमें ऐड किए हैं। 1 किंच अदरक लिए थे तो उसे भी टुकड़ों में कट करके लिए हैं। दालचीनी इसमें ऐड करेंगे और हल्का सा इसे भून लेंगे। हल्का सा भून लिए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे ऑनियन। 2 ऑनियन लिए थे तो इसे इस तरह से लंबे शेप में कट कर कर लिए हैं तो इसी में इसे ऐड कर देंगे। ऑनियन को हल्का सा भून लेंगे। हल्का सा भून लिए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे टोमेटो। 2 टमाटर लिए थे, इस तरह से कट करके लिए हैं, इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। 5 चम्मच हल्दी पाउडर इसमें ऐड किए हैं, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर और हल्का सा इसमें नमक ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर कर ले लेंगे। अच्छे से मिक्स कर कर ले लिए हैं। अब इसे 2 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। तो हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे पानी। आधा कप पानी इसमें ऐड करेंगे। पानी ऐड कर दिए हैं और चूल्हे को ऑफ कर दिए हैं। मसाले को ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद मसाले को पीस लेंगे। तो मसाले को ठंडा होने देते हैं तब तक हम यहाँ पे पनीर को फ्राई कर कर ले लेंगे। पनीर फ्राई करने के लिए 2 चम्मच ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देते हैं। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे पनीर। हल्का सा लाल कलर होने तक हम इसे पनीर को फ्राई कर कर ले लेंगे। 1/2 किलो पनीर लिए थे तो इस तरह इसे लंबे शेप में कट कर कर लिए हैं। हल्का सा लाल कलर हो चुका है तो अभी हम पनीर को ऑयल से हटा देंगे। एक बाउल में पानी लिए हैं तो इसमें पनीर को छोड़ देंगे ताकि पनीर सॉफ्ट ही रहे। और इसी तरह बाकी के पनीर बचे हैं उसे भी इसी तरह लाल कलर होने तक फ्राई कर कर ले लेंगे। मसाले को ठंडा होने के लिए रखे थे। मसाला ठंडा हो चुका है तब इसमें जो कड़े मसाले हमने डाले थे उसे हटा देंगे। कड़े मसाले हटा दिए हैं तब इस मसाले को मिक्सी के जार में ऐड कर कर पीस कर ले लेंगे। मसाले को पीस लेंगे। मसाले को पीस लिए हैं। तो मसाला पीस कर रेडी हो चुका है तो चलिए लजीज पनीर बनाते हैं। और जिस कढ़ाई में पनीर फ्राई कर कर लिए थे उसी कढ़ाई में लजीज पनीर बनाएंगे। तो ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है, जो हमने मसाले पीस कर लिए थे उसी मसाले को इसमें ऐड कर देंगे। मसाले को अच्छे से मिक्स कर कर ले लेंगे और मिक्सी के जार में थोड़ा सा मसाला बचे हैं तो इसमें पानी मिक्स करके इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें थोड़े से हल्का सा मसाला ऐड करेंगे, ज़्यादा मसाला ऐड नहीं करेंगे। 5 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे
पहले से ही हमने हल्का सा नमक ऐड किए थे, इसलिए इसमें थोड़ा सा ही यानी स्वाद अनुसार ही नमक ऐड करेंगे। 2 चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच बटर। अब अच्छे से मिक्स कर ले लेंगे। अच्छे से मिक्स कर ले लिए हैं, 2 मिनट के लिए इसे ढक के रखेंगे। 2 मिनट के लिए ढक के रखे थे। अब इसमें ऐड करेंगे पनीर। पनीर को हमने पानी में भिगो कर रखे थे तो पानी हटा दिए हैं, इसमें पनीर ऐड कर देंगे। पनीर ऐड कर मिक्स कर ले लेंगे। पनीर ऐड कर मिक्स कर ले लिए हैं, 2 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। अब इसमें धनिया के पत्ते ऐड करेंगे। गार्निश के लिए फ्रेश क्रीम इसमें ऐड करेंगे। चूल्हे को ऑफ करते हैं। अब खाने के लिए लजीज पनीर रेडी हो चुका है, अभी हम सर्व करेंगे। तो खाने के लिए लजीज पनीर रेडी हो चुका है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।